Welcome to Backtrack classes. Today I'm going to discuss about the Gaur method. Gaur method जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चाउ फासमैन मेथड जो कि एक और दूसरा मेथड है प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने के लिए. ये मेथड जो है तीन साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था गार्नियर, ऑस्गीथोर्प एंड रॉबसन. तो इन्हीं के नाम पर ये मेथड का नाम है गौर और ये 1978 में दिया था. गौर मेथड इज ए स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू प्रिडिक्ट प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर. स्टैटिस्टिकल अप्रोच है इसका मतलब है कि हम लोग कुछ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड या प्रोपेंसिटी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए या प्रिडिक्ट करने के लिए. गौर ने जो स्टार्टिंग में प्रोटीन लिए थे वो 25 प्रोटीन्स लिए थे क्योंकि एट दैट टाइम 1978 में 25 प्रोटीन्स नोन थे. तो उन्होंने उन 25 प्रोटीन्स का डेटाबेस बनाया जिसमें 4500 रेसिड्यूज थे और उस डेटाबेस पर अपना डेटा एनालिसिस किया कि कौन सा वाला जो रेसिड्यू है उसके कितने ज्यादा चांसेस हैं कि वो कौन सा कन्फर्मेशनल स्टेट बनाएगा, जैसे कि हेलिक्स, शीट्स, कॉइल्स और टर्न. ठीक है, चाउ एंड फासमैन भी हमने देखा था. चाउ एंड फासमैन में वो तीन कन्फर्मेशन देख रहे थे. गौर मेथड ने इनिशियली जो गौर मेथड दिया गया था उसमें चार स्टेट्स थे, हेलिक्स, शीट्स, कॉइल्स एंड टर्न्स. ठीक है, गौर ने जो एब्रीविएशन यूज किए थे वो ये है. हेलिक्स के लिए उन्होंने जो एब्रीविएशन यूज किया था वो एच था और उन्होंने बोला था इसको अल्फा हेलिक्स स्टेट. बीटा शीट्स के लिए जो उन्होंने एब्रीविएशन यूज किया था वो ई था और उसको उन्होंने बोला था एक्सटेंडेड चेन स्टेट. इन दी सिमिलर मैनर टी फॉर रिवर्स टर्न स्टेट एंड सी फॉर कॉइल एज वेल एज पीरियोडिक स्टेट. गौर ओरिजिनल थ्योरी जो है वो बेस्ड है इंफॉर्मेशन थ्योरी पर. इंफॉर्मेशन थ्योरी जो है इज वन ऑफ द टूल ऑफ मैथमेटिक्स जिसको हम प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई एस जे एंड ये. तो गौर ने इस इक्वेशन को कैसे रीड किया था, दे रेड दिस इंफॉर्मेशन एज इंफॉर्मेशन विच द रेसिड्यू एज द फर्स्ट सेकेंड एंड सो ऑन अप टू द लास्ट पोजिशन कैरी अबाउट द कन्फर्मेशन ऑफ जेथ रेसिड्यू. इसका मतलब क्या है वो ये बताना चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है जेथ रेसिड्यू की किस स्टेट में होगी. एस का मतलब है किस स्टेट में है, जो हेलिक्स है, शीट्स है, कॉइल्स है और टर्न्स है किस स्टेट में होगी, और जेथ रेसिड्यू की मतलब एक आपका जो प्रोटीन सीक्वेंस है इस तरीके से. तो उसमें अगर मैं बात कर रही हूँ टी की, 1 2 3 4 5 फिफ्थ फिफ्थ पोजीशन पर है टी, तो ये मतलब आर फाइव की बात हो रही है. आर फाइव में कौन सी स्टेट में होगा ये वाला अमाइनो एसिड, ये प्रेडिक्ट करना है. या और इसको उन्होंने इस तरीके से एक्सप्रेस किया था. तो चारों के लिए मतलब अब चार स्टेट्स हो सकते हैं ना, या तो एच या तो जेएथ जेएथ रेसिड्यू है, या तो वो एच स्टेट में जा सकता है या ई में या टी में या फिर सी में. तो फिर उन्होंने क्या किया था कि हर ही रेसिड्यू के लिए जितने भी वो उनका डेटाबेस था 25 प्रोटीन्स का उस पर डेटा एनालिसिस किया और देखा कि हर पर्टिकुलर पोजीशन पर हर रेसिड्यू का जो है कौन सा स्टेट ज्यादा फेवर्ड है. ठीक है, तो उन्होंने इन चारों के लिए इंफॉर्मेशन थ्योरी लगाया हर स्टेट के लिए और इनमें से जो भी हाइएस्ट वैल्यू होगा वही कंफर्मेशन स्टेट जो है प्रिडिक्ट होगा. इस तरीके से उन्होंने बताया था इस कॉन्सेप्ट को. ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इंफॉर्मेशन थ्योरी मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ जेथ रेसिड्यू इन ए पर्टिकुलर स्टेट, और जे मतलब आपका आर वन आर टू आर थ्री इन कुछ भी हो सकता है रेसिड्यूज की बात हो रही है, तो उसको एक्सपेंशन जो है उस सीरीज का वो इस तरीके से डिनोट किया समेशन. समेशन में उन्होंने यूज किया कि समेशन ऑफ आई एस जे एंड आर अप टू 1 प्लस एम. ठीक है, मतलब उन्होंने जो लिया वो -8 से लेके +8 तक लिया, मतलब टोटल उन्होंने 17 रेसिड्यूज लिए, 17 17 रेसिड्यूज लिए थे. तो 17 रेसिड्यूज में एक्चुअली गौर का मानना क्या था, वो ये मानते थे कि जो आपका जो भी प्रोटीन का सीक्वेंस है उसमें किसी भी रेसिड्यू के किसी भी फॉर्म में होने के जो चांसेस हैं वो सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो उसके नेबरिंग
रेसिड्यूज पर भी डिपेंड करता है। मतलब हम देख सकते हैं कि हम लोग बोलते हैं जनरली कि जो बच्चा जिसके साथ रहेगा, जैसी संगत में रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट उस पर भी आएगा। तो इसी तरीके से उनका मानना ये था गौर का कि जिस भी रेसिड्यू का आपको स्टेट फाइंड करना है, तो वो सिर्फ उस पर नहीं डिपेंड करता है, वो उसके साइड वाले रेसिड्यूज पर भी डिपेंड करेगा। तो उन्होंने 8 रेसिड्यूज इधर और 8 रेसिड्यूज दोनों ही साइड लिए, और सेंटर वाले रेसिड्यू की स्टेट को जानने के लिए। तो इसलिए इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, m = -8 to +8। ठीक है, तो द मेजर ISJ और RJ+M रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन विच द टाइप ऑफ रेसिड्यू एट J+M कैरीज अबाउट द कंफर्मेशनल स्टेट ऑफ जेथ रेसिड्यू। सो उन्होंने क्या लिया, -8 से लेकर +8 तक की वैल्यू को इंक्लूड कर लिया, और उन्होंने 0 को भी इंक्लूड किया, मतलब m = 0 को भी इंक्लूड किया। ठीक है, 17 सेपरेशन रखे उन्होंने। अगर आप देखेंगे रेसिड्यूज में 8 इधर 8 इधर और एक सेंटर, तो टोटल जो आपके सेपरेशन है वो 17 है। अगर m जो है वो नेगेटिव है, तो इंफॉर्मेशन जो है वो ये बता रही है रेसिड्यू की वो n टर्मिनल की साइड है। अगर m पॉजिटिव है, इट मीन्स दैट वो c टर्मिनल की साइड में है। ठीक है, अगर m 0 है, अगर m 0 है, तो फिर इंफॉर्मेशन जो होगी वो RJ+MNN की नहीं होगी, तब वो इंफॉर्मेशन जो होगी उसी रेसिड्यू की होगी, अगर m जो है वो 0 है। ठीक है, सो इट इज द इंफॉर्मेशन द रेसिड्यू कैरीज अबाउट इट्स ओन कंफर्मेशन। नाउ देर आर डिफरेंट वर्जन ऑफ गौर। ठीक है, जैसे कि गौर 1, 2, 3, 4, 5। लेटेस्ट वर्जन जो है गौर का वो 5th वर्जन है। तो स्टार्टिंग में जो गौर 1 था, उन्होंने जो प्रोटीन डेटाबेस लिया था वो 25 प्रोटीन्स का लिया था, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ 25 प्रोटीन्स नोन थे, और उसमें टोटल रेसिड्यू जो थे वो 45 रेसिड्यूज थे, 4500 रेसिड्यूज थे। और गौर 2 जो था, जब गौर 2 मतलब उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आया गौर 2 का, तो उसमें जो डेटाबेस जो लिया था वो 75 प्रोटीन्स का था, एंड 12,757 रेसिड्यूज थे उसमें। बोथ गौर 1 एंड गौर 2 प्रेडिक्ट 4 कन्फर्मेशनल स्टेट, हेलिक्स, शीथ, कॉइल्स एंड टर्न। और गौर 2 तक जो है सिंगलेट फ्रीक्वेंसी का यूज होता था। गौर 3 तक आते आते जो प्रिडिक्ट कर रहे थे वो कन्फर्मेशनल स्टेट को, वो 3 हो गई थी। तो कॉइल्स और टर्न्स और लूप्स को उन्होंने एक ही तरीके से कंसीडर कर लिया था। तो हेलिक्स, शीट्स और कॉइल सिर्फ 3 स्टेट को ही उनको प्रिडिक्ट करना था। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे थे वो डबलेट में कर रहे थे, डबलेट ऑफ रेसिड्यू विद इन ए विंडो बेस्ड ऑन द सेम डेटाबेस जो पुराना वाला था। गौर 4 तक आते आते 267 प्रोटीन थे और 63,566 रेसिड्यू। अगर हमें गौर 4 वाले मेथड से स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना है, तो प्रावी सर्वर पर हम लोग जाके देख सकते हैं गौर 4 को। ठीक है, उसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन है गौर का, दैट इज गौर 5। तो गौर 5 में उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन थ्योरी है उसमें बायेसियन स्टेटिस्टिक्स और इवोल्यूशनरी इन्फॉर्मेशन को और एड ऑन किया है, थोड़ा सा एडवांस करने के लिए। उसको डेटाबेस में जो है हमारे वो 513 प्रोटीन्स इंक्लूडेड है गौर 5 के लिए जो डेटाबेस यूज हो रहा है, और 84,107 रेसिड्यूज है उसमें। ये वाला जो डेटाबेस है ये कट एंड बार्टन ने दिया था। और गौर 5 में जो है कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, जैसे उसमें कुछ एडिशनल चीजें और कंसीडर की जाती है, जैसे कि डिसीजन कॉन्स्टेंट्स, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, और यहाँ पर ट्रिपलेट स्टेटिस्टिक्स जो है वो यूज कर रहा है गौर एल्गोरिदम। तो गौर एल्गोरिदम में जो है इंफॉर्मेशन थ्योरी के साथ साथ बायेसियन स्टैट्स भी यूज हुआ है। इंफॉर्मेशन फंक्शन को जो ISR था, इंफॉर्मेशन ऑफ से पर्टिकुलर स्टेट, इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रेसिड्यू इन ए पर्टिकुलर स्टेट कैन बी रिटन एज दिस इक्वेशन, IS:R = logarithmic ऑफ दिस। ठीक है, तो PSR यहाँ पर क्या है, PSR जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ऑब्जर्विंग कन्फर्मेशन की, और PS क्या है, अक्रेंस ऑफ कन्फर्मेशन एस। ठीक है, ये वाला
इक्वेशन को यूज किया है उन्होंने, और ये वाली जो इक्वेशन लगाई है वो उस डेटाबेस पे लगाई है जो कटन बार्टन ने दिया था, जिसमें 267 प्रोटीन्स इंक्लूडेड थे। ठीक है, तो जो कन्फर्मेशनल स्टेट है किसी भी गिवन रेसिड्यू की, वही जो इनिशियली गॉड ने बोला था कि वो जरूरी नहीं है डिपेंड करेगी सिर्फ उसी पर, मतलब ओन रेसिड्यू पर, ऐसा नहीं है। उनका मानना ये है कि इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी नेबरिंग रेसिड्यू अलॉन्ग विद दी चेन विद इन दी स्लाइडिंग विंडो। तो जो गौर फाइव है वो स्लाइडिंग विंडो क्या है उसका 17 रेसिड्यूज है, और गौर फाइव जो हमारा लेटेस्ट गौर वर्जन है उसमें 13 रेसिड्यूज का विंडो साइज है। मतलब वो कितने कितना स्ट्रेस ले रहा है अमीनो एसिड का एक टाइम में। मान लीजिए ये आपके अमीनो एसिड्स हैं, तो एट अमीनो एसिड्स आपके इधर हैं और एट अमीनो एसिड्स इधर हैं, और इस वाले का वो स्टेट प्रेडिक्ट कर रहा है, तो ये टोटल कितने हो गए आपके 17 रेसिड्यूज हो गए। तो वो 17 आपका विंडो साइज हो गया। गौर फाइव में वो कितने ले रहा है, गौर फाइव में वो सिर्फ 13 लेता है। ठीक है, तो उसमें वो 6 इधर लेगा, 6 इधर लेगा, और सेवंथ वाला जो रेसिड्यू होगा सेवंथ पोजीशन पर, उसका कंफर्मेशन स्टेट जो है वो प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है, तो गौर एल्गोरिथम में क्या किस तरीके से काम करेगा वो, कि हम इनपुट देंगे अमीनो एसिड सीक्वेंस का, फिर वो कैलकुलेट करेगा प्रोपेंसिटीज को, वो यूज करेगा लोकल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन जो कि डेटाबेसेस थे उन जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटाबेस था प्रोटीन का, उनसे जो उन्होंने कैलकुलेट करी थी जो ऑलरेडी, तो वो डेटा उनके बेसिस पर जो है वो जो भी आपने इनपुट दिया है उसके हर रेसिड्यू का प्रोपेंसिटी को कैलकुलेट करेगा, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच करेगा। अगर हम गौर फोर यूज कर रहे हैं तो 17 लेगा, फाइव यूज कर रहे हैं तो 13 लेगा, और फिर आउटपुट में आपको बताएगा कि आपका जो भी हम लोगों ने आउटपुट दिया था, इनपुट दिया था, सॉरी, कि उसका कंफर्मेशन स्टेट क्या होगा। ठीक है, ये वो बताएगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन द गौर। ठीक है, तो गौर को अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप गौर वेब सर्वर पर जा सकते हैं। गौर वेब सर्वर पर जो है ये फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, आपको वहां पर क्या करना होगा, सिर्फ एक इनपुट सीक्वेंस देना है अपना, और इनपुट सीक्वेंस देने के बाद आपको जस्ट सबमिट कर देना है, तो वो आउटपुट आपको जनरेट करके दे देगा कि जो भी आपने इनपुट सीक्वेंस दिया प्रोटीन का वो क्या प्रिडिक्ट करेगा, मतलब वो हेलिक्स फॉर्म करेगा, बीटा फॉर्म करे, बीटा शेप फॉर्म करेगा, या फिर कॉइल्स फॉर्म करेगा। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मतलब कितने अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को आप दे सकते हैं वो डिफरेंट वर्जन में जो है डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि हमने गौर मेथड देखा, हमने लास्ट लेक्चर में जो है चाउ फास्टमैन मेथड को भी देखा था जिसमें हम प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर रहे थे। तो अल्टीमेटली क्यों प्रिडिक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मेथड, क्या जरूरत है। तो अल्टीमेटली द मेन रीजन टू प्रिडिक्ट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एनी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन जस्ट टू नो द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट प्रोटीन, बिकॉज द फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोटीन आर डिपेंड ऑन देयर स्ट्रक्चर। दैट्स वाई द इजिएस्ट वे टू आइडेंटिफाई फंक्शन जस्ट टू गो विद दी आइडेंटिफिकेशन और प्रोडक्शन और डिटरमिनेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। होप यू एंजॉय माई लेक्चर। थैंक यू।